और तो गाइस मैं एमराल्ड्स की खोज में था गाइस, मुझे बहुत सारे गाइस आपको एक चीज दिखानी थी। डन पिकैक्स और 6 स्टैक्स ऑफ डायमंड्स। अब गाइस मैं बोलता हूं मैं सब कुछ भेज दूं सब कुछ, मुझे एक स्टैक ऑफ डायमंड ब्लॉक्स मिले उन्होंने तो मैंने तो बहुत कुछ किया था बहुत कुछ किया। वो दो स्टैक ऑफ डायमंड के पीछे एक स्टैक ऑफ डायमंड चाहिए गाइस, मतलब मैं 6 ब्लॉक्स और ना फिर मैं और ब्लॉक्स लेने चला ताकि बीकन का फुल यूज कर सकूं आपके लिए लोग। यहाँ के गाइस मैं एमरल्ड्स मिल रहा था और इधर देखिए काफ़ी सारा लावा है, मुझे एमरल्ड्स के ऊपर एमरल्ड्स मिले तो जा रहे थे। मेरा वो ये वाटर बकेट सब काम आएगा। चलो चलो अभी काम आएगा। ये मुझसे छुप नहीं सकते कभी भी। तुम्हें क्या लगा मैं लावा से डर जाऊंगा और फिर इधर नहीं आऊंगा? इसका तो इस बार मैं सच में डर गया था। क्या कुछ है क्या? वेट एमरल्ड है पर अब हमारा बेसिक काम जो है एमरल्ड में कि डायमंड हमारे पास बहुत से भारी मात्रा में है कि अभी हमारा काम है एमरल्ड्स को ढूंढना। ट्रैवल का कोई बेसिकली यूज नहीं होता से ऊपर मेरे ऊपर गिरते हैं और मेरे सिर में दर्द होता है और फिर मेरा दम बंद करके मुझे मारते हैं और कोई काम नहीं होता इनका। ओए वेर 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 ये ब्लैक होल क्या है? क्या है ये? अच्छा अभी भी नहीं मेरा तो ब्लैक होल है। इधर कोई हम लोग भी बन रही है क्या लगता है? बस जवाब तो बीच में बोल था अच्छा तो इधर भी जगह है और मैं तो जाते हैं काफी भारी मात्रा में है इधर। डायमंड तो वही प्लेस है जहाँ पर लामा जो है ये लामा बिल्ली ये जो लामा जो है बंद पड़ा हुआ है। कुछ है।
That's why it's good. Yeah. Fuck. बिल्डिंग मटेरियल है मेरे पास हाँ कॉपर स्टोन है वैसे मस्त मैं और कुछ नहीं करूँगा हम भी ले जाएंगे ना तब मजा आए चलो इस रास्ते में चलते हैं जब पता है जब वाटर होता है तो लाभ भी होता है ये चीज मुझे प्लेयर पहले ही पता चली जब भी वाटर होता है तो आपका तो लाभ नहीं मिल जाता है पता नहीं गोल्ड की तरफ कर रहा हूँ क्योंकि गोल्ड का तो दो काम है जॉमी चिकन जाओ जिन्हें जाओ यार मैंने आपको बोला है इसलिए बोल ही रहा था और ज़रूर वहाँ पर अच्छा सा सामान होगा क्योंकि मुझे लावा का निशान दिख रहा है लावा में आ रहा है तुम ऑलरेडी आया हो यस लगता है मैं खाऊँ फिर कर मेरे एक सेम जगह में आ गया मैं काम हूँ काम कौन है उसके पास 1204 1256 मेरे को 1256 के मैंने है ना लग रहा है कि मेरे घर के बहुत करीब मतलब नीचे के बैकग्राउंड अभी भी हेल्प नहीं कमा ये क्या कोई जादू या आर्मर है क्या या फिर क्या सिर्फ ग्लिच है
इतना सारा माल लेकर नहीं मरना चाहता। सीरियसली मुझे लग रहा है कि आपको उसका माइंड क्या है। कौन मरना चाहेगा इतना सारा माल लेकर, स्पेशली इतना सारा डायमंड लेकर। मैं इस तरफ नहीं गया तो मैं स्वागत के लिए देखो तो कितने लोग हैं। हेलो 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 ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ हटो हटो ओ अब हो अब हो। लग रहा है इधर तो स्पॉनर भी है और स्पॉनर जाने का आंसर है वैसे। अबे मैं कहाँ जाऊँ, नहीं जाऊँ कहाँ। नहीं 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 ओ भाई इतना डेंजरस था। मैं तो बार बार भाग गया था। एक रात है ये तो पुराने वाली सी एक और डंजन का ये तो नॉर्मल कॉपरस्टोन है। मुझे डंजन का ही रास्ता लग रहा है। लग रहा है आजकल मतलब आस पास कोई डंजन है बहुत वहाँ। अच्छा एक बार बेटा सर्वर ज्वाइन किया है तो शायद नेदर अपडेट भी तो होना चाहिए है ना। ओ बेटे ओ बेटे ओ बेटे ओ काम करता हूँ फिर खाद भाई कितना बड़ा है ये। करूँ क्या करने के लिए देखना नहीं कितने अमल हुए हैं। तीन सिर्फ तीन भाई तीन से कितने होगा। आयरन जो सेल करने हैं एक मिनट press open chat to open chat। जी हाँ आपने उनको सही सुन लिया। बिल्कुल सही समझा आपने।
काउंट करता हूँ अंडमान और ये अच्छा छोड़ और थोड़े बहुत तो ये तो इसको फैन ब्लॉक उठा दिया था अब एक मिनट लॉस्ट कर दिया मतलब ये कुछ ज़्यादा ही मार रहा था क्या कर रहा था एक तो पता था नाइस लेक था अनुरिच को मुझे और होप नहीं मिला पता था हाँ क्या था ये दिखाने के लिए वन टू थ्री फोर पता जाना कोई थोड़ी कोई भी नहीं ये गड्ढे में जब पानी फिल करने के लिए आ रहे हैं नॉर्मली आपको उन गड्ढों में अंदर घुसने की जरूरत नहीं है यहाँ आपको यहाँ अंदर घुसने की जरूरत है पूरा हो गया ना एक बच्चे वाह क्या बात है आपको करना होगा कि दिखाता हूँ क्या करना होगा इधर ऐसे ऐसे इधर ऐसे आपको इन गड्ढों में भी फिल करना होगा ये क्या है ऐसा क्या ये देखे अब आपको इसे चालू करने के लिए कौन सी लगेगा वो आपको आयरन लगेगा या फिर डायमंड लगेगा फिर गोल्ड लगेगा या फिर एमराल्ड लगेगा मैं आपको तो मैं आयरन लेता हूँ ओ ये लैग कर रही है गाइस यही थी और गाइस जो अभी मैंने जो दबाया उसका मतलब था
उसका मतलब था कि जो आपका जो जोर्ड है ना वो ज़्यादा स्पीड में जाएगा और ज़्यादा अटैक करेगा और वो जिसमें वो ज़्यादा ज़्यादा डैमेज होती है। और जो लास्ट और जो एक और था ना उसके पास वो था जंप का, ज़्यादा ऊँचे ऊँचे जंप कर पाएंगे। और जो लास्ट था वो था वेपन का।